विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में 12 से 20 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेलों में सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की एक अहम बैठक मातृ आंचल यात्री निवास में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधीश बिलासपुर विवेक भाटिया, एडीएम बिलासपुर विनय कुमार, एसडीएम सदर प्रियंका वर्मा और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रावण अष्टमी मेलों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पूरे श्री नैना देवी क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा गया है तथा प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। पूरे क्षेत्र में लगभग 25 स्थानों पर रोड मैप लगाए जाएंगे जो कि दर्शाएंगे कि श्रद्धालु कहां पहुंच रहे हैं और साथ ही यह भी दर्शाएंगे कि किस किस स्थान पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे तथा नागरिक सुरक्षा व यातायात सुचारू व सुनिश्चित करने के लिए पुलिस होमगार्ड के अतिरिक्त सेवा दल के जवानों को भी सेक्टरों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेला स्थल के 2 स्थानों पर गैस के बड़े बड़े गुब्बारे लगाए जाएंगे और मेले के दौरान गुम होने वाले बच्चों को उस स्थान पर रखा जाएगा ताकि गुम होने वाले बच्चों के अभिभावक उन्हें वहां से सुरक्षित ले जा सकें। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान जैव कतरों व अन्य असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी विजिलेंस टीमें कार्य करेंगी जो कि सजग, सचेत और प्रशिक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पुलिस विभाग के अधिकारी भी अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान टोब्बा, घवांडल, सिंह द्वार तथा बस अड्डे में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कि दिन रात 24 घंटे कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे और बस स्टैंड से माता के दरबार तक पैदल रास्ते में कम से कम 5 या 6 बैरियर 100 से 150 मीटर पर स्थापित किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को रोका जा सके और भगदड़ से भी बचा जा सके। हाँ, मंदिर न्यास की तरफ से एक हमारे वाटर प्रूफ जो अराइवल हॉल्स वाटर प्रूफिंग करेंगे उनकी ताकि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनके बारिश का मौसम है कोई दिक्कत ना हो। यातायात समस्या है, यातायात समस्या ना हो किसी को, उसके लिए जो सारी चीजें हैं वो एएसपी साहब भी आए हैं, डीएसपी साहब हैं, इनके साथ मिलकर वो सारा वो डिस्कस हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जैसे बच्चे तो गुम हो जाते हैं उसके लिए हमने कहा कि 2 आप बैलून लगा के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाएं ताकि बच्चों को पता हो कि इस गुब्बारे के पास आना है। बड़े क्रिटिकल सेक्टर्स हैं तो वहाँ 2 मजिस्ट्रेट्स और 2 पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ के इंचार्ज रहेंगे, एक इसके ऊपर बात है। एक इस बार थोड़ा सा जो अर्बन एरिया है तो थोड़ी सी और को इस और थोड़ा एमसी का थोड़ा स्टाफ कम है, उसमें हम या तो यू नगर परिषद घुमारवी या फिर बिलासपुर से किसी एक अधिकारी की स्पेशली ड्यूटी लगाएंगे।